Hello students, we see language practice. Study how the underlined words are used in the following sentences. Underlined words myself, yourself. सेंटेंस में आपको देखना है कि इनका किस तरह से यूज़ किया गया है. करामात, बी क्विक एंड प्रिपेयर आवर आर्मी फॉर द मार्च. तो करामात, तैयार हो जाओ और शीघ्रता करो, हमारी आर्मी मार्च के लिए जाने वाली है. आई शैल माई सेल्फ लीड द आर्मी टू उदयपुर. मैं उदयपुर के लिए खुद आर्मी को लीड करूँगा. हेल्प योरसेल्फ टू कॉफ़ी, दूसरा सेंटेंस. अपने आप को खुद अपनी कॉफ़ी के लिए मदद करो. द एक्ट्रेस इज वॉचिंग हर सेल्फ ऑन टीवी. एक्ट्रेस स्वयं को टीवी पर देख रही थी. ये रेड कलर से जो दिए हैं इसमें ध्यान रखिए, ये सेल्फ करके दिए हुए हैं और सेल्फ करके इनको देखिए कि किस तरह से चेंज होता है. फादर इज़ डूइंग द वर्क हिमसेल्फ. पिताजी अपना काम स्वयं कर रहे हैं. द बर्ड इज़ मेकिंग इटसेल्फ अ नेस्ट. चिड़िया अपना घोंसला स्वयं बना रही है. वी आर बाइंग अवर सेल्फ्स अ न्यू रेडियो. हम अपने से खुद से नया रेडियो खरीद रहे हैं. Fill in the blanks using the word given and write form of self. Self means खुद से, स्वयं से. अभी आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि आगे वॉइस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. तो आपको सेल्फ का यूज़ करके वर्ब में इसको फिट करना है. Have you noticed? क्या आपने नोटिस किया? मीरा often look at herself in the mirror. मीरा खुद को मिरर में अक्सर देखती है. मोंटी फेल डाउन, मोंटी गिर पड़ी. एंड हर्ट हिमसेल्फ ऑन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर खुद को हर्ट कर लिया, चोटिल कर लिया. हु इज रामू टॉकिंग टू. रामू किससे बात कर रहा है? आई गेस ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. मेरा अनुमान है वह खुद से बात कर रहा है. दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम देमसेल्व्स. वे खुद से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. वी आर हेल्पिंग अवर सेल्व्स. हम खुद से अपनी मदद कर रहे हैं. तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, सेल्फ लगाकर सेंटेंस बनाने, वर्ड्स को यूज़ करने का, और ये आपको वॉइस सीखने में बहुत काम देंगे. सो कीप लर्निंग स्टूडेंट्स.